स्वागत है आपका मेरी चैनल ऑल इन बन गिरो पर। आज हम बनाने वाले हैं सोआ भाजी। भाजी को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, सारे मोटे डंठल हटा दिए हैं, जो सॉफ्ट वाले थे वही हमने लिए हैं। ये भाजी सर्दियों के मौसम में आती है और बहुत टेस्टी बनती है और हेल्दी भी होती है, बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्दी होती है। तो इसे इस मौसम में आप एक बार ज़रूर लाएँ और बनाएँ, बहुत बढ़िया बनती है। अब हम इसे धुल कर काट लेते हैं। देखिए भाजी को हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे। तेल गरम हो गया है, जीरा लेंगे, साथ में लहसुन लेंगे, हरी मिर्च लेंगे, प्याज लेंगे, हम इन्हें 2 मिनट चला लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे हल्का सा 2 मिनट ही पकाना है। 2 मिनट हो गया है प्याज को पकते हुए। आलू लेंगे, इसे भी मिक्स करते हुए पकाएंगे। नमक लेंगे, नमक स्वाद अनुसार लेंगे। नमक डालने से आलू जल्दी पक जाएंगे। आलू को हमने छोटे टुकड़ों में काट के लिया है। अब इसे चलाकर अच्छे से पका लेंगे। देखिए आलू अच्छे से पक गए हैं, 90% आलू हमारे पक गए हैं। अब हम टमाटर लेंगे और टमाटर को 5 मिनट भूनेंगे चलाते हुए। देखिए टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हम भाजी लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए भाजी को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर लेंगे, लाल मिर्च पाउडर लेंगे, गरम मसाला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। देखिए भाजी को हमने अच्छे से ढककर पका लिया है। भाजी बहुत अच्छी से पक गई है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। देखिए सोआ भाजी बनके तैयार है, बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत टेस्टी बनी हुई है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching my video.